प्रदेश में जहां अवैध खनन व अवैध कटान के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं वन व पुलिस विभाग की टीम संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इन माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। वहीं विभाग की छापेमारी की जानकारी मिलते ही वन माफिया मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। प्रदेश में जहां अवैध खनन व अवैध कटान के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं वन व पुलिस विभाग की टीम संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इन माफियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर जिले के नैना देवी हल्के की चार पंचायतों में धड़ल्ले से चल रहे अवैध रूप से खैर कटान की जानकारी मिलते ही बीती देर रात बीओ रतनपुर की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने छड़ोल, कल्लर और कचोली बीट में छापेमारी की, जहां उन्हें खैर के पेड़ों के 96 लॉग्स बरामद किए, जिनकी बाजार में कीमत लाखों में है। वहीं विभाग की छापेमारी की जानकारी मिलते ही वन माफिया मौके से बरामद होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए रतनपुर ब्लॉक के बीओ नरेश कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान मिले खैर के लॉग्स को विभाग की टीम ने अपने कब्जे में लेकर अवैध कटान अधिनियम के तहत मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है और आने वाले समय में भी वन माफियों के खिलाफ जारी ये छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। बीओ रतनपुर हमने 3 बीटों में रात के समय 4 लॉग पकड़े बनवा की टीम ने। जंगल से बनकट हुए माल रखा हुआ था, जब बनवा की टीम गई तो वहाँ से भागे, माल हमने जब्त कर लिया है। तो 55 पीस खैर लॉग उनको हमने अपने छुड़ोल हेडक्वार्टर पर रखा है। बनकटुओं के खिलाफ हमने पहले भी FIR 3 सदर थाना में कर रखी हैं और उसके लिए हम रात दिन इसकी छानबीन लगी है वन विभाग की टीम। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त लाए, छोटे से ब्रेक आई, मिलते हैं ब्रेक के बाद।